स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। क्या लगता है अब सूबे बेड़ा के हालात बदल जाएंगे? वाकई में क्या लोगों को अब किडनी की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हालात को देखते हुए सूबे बेड़ा में पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गांव के ग्रामीणों से एक एक करके चर्चा की, उनकी समस्याओं को जाना और परेशानियों पर भी उन्होंने चर्चा की। बता दें कि सूबे बेड़ा में दूषित पानी पीने से पिछले 5 साल से किडनी की बीमारी ग्रामीणों में फैल रही है और इसके चलते पिछले 3 सालों में 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसमें बीते 15 अक्टूबर को किडनी बीमारी से प्रभावित मरीज अकालू मसरा की मौत के बाद फिर से वहां पर ग्रामीणों में जो ग्रामीण हैं उनमें दहशत फैल गई है। हालांकि राज्य सरकार वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का दावा जरूर कर रही है। क्या अब सूबे बेड़ा के हालात बदल जाएंगे? क्या लोगों को अब किडनी की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा? आज इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि हालातों को देखते हुए राज्यपाल ने आज खुद सूबे बेड़ा का दौरा किया, ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। राज्यपाल के साथ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने भी एक बार फिर ग्रामीणों को कई आश्वासन दिए। सबसे बड़ा आश्वासन ग्रामीणों को इस बात का दिया गया कि अब ग्रामीणों को इलाज के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। दवाई से लेकर अस्पताल में उनके खाने पीने और रुकने की जिम्मेदारी शासन द्वारा उठाने की घोषणा की गई। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की भी घोषणा इस दौरान की गई। इसके अलावा गांव की 2 विधवा महिलाओं को कलेक्टर दर पर नौकरी देने के अलावा बाकी महिलाओं को समूह के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आवागमन को लेकर 2 बड़े पुलों का निर्माण जल्द से जल्द करने का भरोसा भी दिया गया। राज्यपाल लगभग 3 घंटे गांव में रुकी, वहीं अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सूबे बेड़ा की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का भरोसा ग्रामीणों को दिलाया। उन्होंने अपना और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का फोन नंबर ग्रामीणों को ये कहते हुए सार्वजनिक कर दिया कि उन्हें कोई भी परेशानी या दिक्कत होती हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए सूबेवाड़ा में तो ऐसा है, जिम्मेदारी एक प्रकार से मेरी अकेले की नहीं है, पूरा शासन की है और कर रहे हैं उस जिम्मेदारी को। ऐसा नहीं है, आज मेरे साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सिंहदेव जी भी साथ में गए थे और पिछले वो 2 अक्टूबर को भी वो गए थे वहाँ पर। अब बात यह है कि नीचे स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनके सबसे बेसिकली जिम्मेदारी तो उनकी होती है। डॉक्टर नहीं थे, डायलिसिस मशीन की शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तब डॉक्टर पहुंच गए। वहां जाने पे अब ये बताया गया कि नहीं, बिजली का चाप पूरा नहीं होता है, वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है, तो एक जनरेटर, हमारे सांसद जी भी साथ थे तो वो भी आगे आके उन्होंने भी सहमति दे दी कि हम जनरेटर उपलब्ध करा देंगे। दवाइयों की बात आ रही है, निःशुल्क दवाइयाँ यहाँ डीकेएस में नहीं मिल रही, ब्लड नहीं मिल रहा, तो ब्लड बैंक से भी बात करके मैंने कलेक्टर साहब से परसों कल बात की थी और उन्होंने भी सहमति इसमें दे दी। सूबे बेड़ा के हालात को लेकर राज्यपाल के दौरे के बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कौशिक ने अपने बयान में कहा है कि सूबे बेड़ा की स्थिति वास्तव में गंभीर है। सूबे बेड़ा की स्थिति वास्तविक में गंभीर स्थिति है और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है कि हालात ठीक नहीं है, ये कहने से सरकार के हितश्री नहीं होगी बल्कि उनका निवारण कैसे हो इस दिशा में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उसमें जो कारण गिनाए गए हैं, एक तो पानी के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि पानी की समस्या का निदान ना कर सके सरकार। पाइपलाइन से बाहर से ला करके लाना पड़े, बिछाना पड़े और पानी के कारण यदि बीमार पड़े ये तो सरकार की असफलता है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा है कि हालात ठीक नहीं है, ये कहने से सरकार की इतिश्री नहीं हो जाती। मुझे नहीं लगता कि पानी की समस्या का निदान सरकार कर पाए। पानी की वजह से यदि कोई बीमार हो रहा है तो ये सरकार की असफलता है। धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि दूसरी बात ये है कि उड़ीसा से जो शराब आ रही है उसकी वजह से स्थानीय लोग बीमार पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार क्या उड़ीसा से आ रही शराब को रोकने में अक्षम हो गई है? अवैध रूप से लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, ये सरकार के लिए शर्मनाक है। मुझे लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं, ऐसी जगहों पर काम करने वालों को आमंत्रित करना चाहिए। प्रभावित लोगों का इलाज कहाँ किया जा सकता है,
ये देखा जाना चाहिए। पैसे की कोताही नहीं करनी चाहिए, पैसे से जान की कीमत ज्यादा नहीं होती। सरकार को तत्परता बरतने की जरूरत है। आज हम यदि हाथ उठा दें कि पिछली सरकार ने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ये कोई बात थोड़ी न होती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट।